हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है भगवान शिव को नीलकंठ क्यों कहते हैं। प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। भगवान शिव जी हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं। शिव जी तो देवों के देव महादेव कहलाते हैं। अपने गले में नाग लटकाए, तीन नेत्र वाले, हाथों में त्रिशूल और डमरू लिए जटाधारी कई नामों से जाने जाते हैं, जैसे भोलेनाथ, शंकर, महादेव, शिव शंकर, नीलकंठ आदि। एक कथा के अनुसार देवताओं और राक्षसों के बीच एक बार अमृत के लिए समुद्र मंथन हुआ था। यह मंथन दूध के सागर में हुआ था, जिसमें 14 रत्न निकले थे, लेकिन उनके साथ विष भी निकला। यह विष इतना खतरनाक था कि इसकी एक बूंद भी पूरे संसार को खत्म कर सकती थी। इस बात को जानकर देवता और राक्षस डर गए और वे शिवजी के पास इसका हल ढूंढने के लिए पहुंचे। शिवजी ने सबको बचाने के लिए विष को खुद ही पी लिया। उन्होंने उस विष को गले से नीचे नहीं निगला, गले में ही रखा। विष के कारण भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया और वे पूरे संसार में नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।